सोनीपत लोकसभा सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने जीन जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय जनहितैषी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि जनता को समय पर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। बैठक में विशेष तौर से हिसार लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह, उपायुक्त मनोज कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण एवं बीजेपी के जिला महामंत्री डॉक्टर राज सैनी ने भी भाग लिया। सोनीपत लोकसभा सांसद ने जींद जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय जनहितैषी योजनाओं की समीक्षा की। लोक निर्माण विश्राम गृह जींद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एमपी ने कहा कि उन्होंने विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि जनता को समय पर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। सांसद ने जींद नगर परिषद की चेयरमैन डॉक्टर अनुराधा सैनी की अच्छे मार्जिन की जीत के लिए मतदाताओं को बधाई दी और आने वाले समय में जींद शहर के विकास में तीव्रता लाई जाएगी, यह कहा सांसद ने। यह क्षेत्रीय दास बड़ी महापंचायत बुलाई जुलाना में जहां सचिन लड़का अपने सुसाइड करना शुरू कर दिया है। मिल सके, ये एक तरह से ऐसी स्कीम है, इसमें ज़्यादातर बढ़ते चले जाएगा और प्रधानमंत्री सपना है कि हर रोज हर आदमी रोज़गार मिले और तो वो मिलेगा, आगे काम बढ़ेगा। जींद शहर में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी स्वर्ण जयंती पार्क योजना की, उसका काम एक साल से लटका हुआ है। बस खुद मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं और वो काम एक साल से लटका हुआ है बजट के अभाव, तो कैसे क्या विशेष पे उसका पता करवा लें। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी बजट की होगी वो लेंगे। और मेडिकल कॉलेज का काम भी शुरू हो गया है, तो बस अड्डा हमारा कंप्लीट हो गया है, तो ये सारे विकास के काम हो रहे हैं, चाहे जींद का बाईपास है चाहे कुछ है। आज जींद एक शहर का रूप ले रहा है, पहले और आज के दिन में बहुत फर्क है। सारी पार्टियाँ जींद में रैलियाँ किया करते थे, इसकी तरफ ध्यान नहीं था। आज जींद विकास के रास्ते पर, मेरे ख्याल में जितने नेशनल हाईवे से जींद को जोड़ा गया है, देश का शायद कोई शहर हो इतने नेशनल हाईवे से। चलो, अब आपके प्रधान भी नगर परिषद के काफ़ी अच्छे वोटों से जीते हैं, जींद शहर की जो अंदर की जो सड़कें हैं काफ़ी खस्ता हालात में हैं, उन पर क्या उम्मीद की जाए, कैसे? अब ये उम्मीद है आने वाले इस 6 महीने 7 महीने के अंदर अंदर ये चेयरमैन ईमानदारी से पूरी लगन से लगेगा और काम करें, सारी सड़कें ठीक करवाने का कोशिश करेंगे ताकि कोई सड़कें बारिश के बाद ना बचे। डिस्कस किया, 18 के करीब एजेंडे आज थे मुख्य रूप से, चाहे नेशनल हाईवे का था, चाहे रेलवे का था, चाहे दूसरे थे बहुत सारे जो, उन सब का मैं डिटेल में डिस्कस किया और कुछ का समाधान, कोई दिक्कत थी तो वो दूर की। और अधिकारियों ने यही कहा है कि काम को बहुत सीरियसली और बहुत जल्दी से जल्दी ये सारे काम निपटा रहे हैं, चाहे तो प्रधानमंत्री की स्कीम में है, जो मुख्यमंत्री जी की है, प्रदेश की है, चाहे देश की, उन सब पर अपने काम तेजी से आगे बढ़ाना है। हर बार बैठक लेते हैं अधिकारियों, गाइडलाइन का अधिकारी प्रॉपर तरीके से काम निकले, लेट लेते पे चल रही है, ऐसा है। अधिकारी काफ़ी काम कर रहे हैं, कई बार उनको भी परेशानी हो जाती है और जो होती है वो भी हमें उनकी परेशानी सुननी पड़ती है और वो और इस बार और सख्ती से किया। हाँ सर, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का लगातार विरोध कर रहे हैं किसान भी, और कौन कर रहा है आज भी जुलाना में करेंगे, और ये सब ऐसा है। अब लोगों ने पता है कितने फार्म भरे गए आज, वो पता कर ले कितने फार्म गए, जिन लोगों ने रोजगार चाहिए वो लगातार आज फार्म जमा करवा रहे हैं और ये योजना आने वाले समय में आपको दिखाई देगी सबसे ज़्यादा सुविधा, क्योंकि लोगों ने 10 लाख आदमी रोजगार मिल जाए फिर उनमें 25% पौध में बाकी रिजर्वेशन कर दी है, चाहे फोर्स में चाहे दूसरी जगह, हर जगह उनको प्रायोरिटी दी जाए। शहर में रेलवे बाईपास के लिए क्या चल रहा है, जो जींद शहर के लिए एक संजीवनी मानी जा रही है, रेलवे बाईपास अगर निकल जाता है तो अगर दूसरी तरफ बन जाता है उसकी है ना, वो तैयार तो की है, इन्होंने ऊपर बना के भेज दिया है सारा, ऊपर रेलवे बोर्ड में बात करके अपनी भी कोशिश है कि बाहर निकल जाए तो और अच्छा हो जाएगा, वो करेंगे। ठीक है, नई चेयरमैन बन गई है अनुराधा बेटी, उसके लिए किस तरह की शुभकामनाएं देंगे आप? मैंने वहाँ सबसे पहले थे, हमारी जो चेयरमैन बनी है अनुराधा, वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट से बनी है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं। और एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि नगर परिषद में बड़ी मेहनत और लगन से आने वाले समय में 6 महीने में अपने चेंज हुआ मिलेगा, यही मेरा धन्यवाद भाई दोस्तों जिनने वीडियो नहीं देखे।
कि हाँ वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।